क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को डीएम को डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे। देखिए दोस्तों, आज सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को डीएम को डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी, तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) सीआरपीसी के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153, 195, 196, 207, 208, 209, 410, 406, 420, 467, 474, 495, 196, 120 भी और आईटी एक्ट की 67 और 11 ए फॉरनर सेक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा सचिन मीना व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी, तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने कम एक शिकायत पेश की थी उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस गरीब पिता के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब उनके लिए है।